नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल AmyBabble में। इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और आज की ट्रेंडिंग टेक न्यूज है पॉकेट साइज ड्रोन, फेस आईडी और टच आईडी इन व्हाट्सएप, रोबोट सबमरीन, 1 TB मेमोरी चिप और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इन इंडिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला अपडेट है रोबोट सबमरीन को लेके। चाइना ने एक सबमरीन बना ली है जो कि आंधी तूफान में भी मीटरोलॉजिकल रॉकेट फायर कर पाएगा। और इस सबमरीन को चलाने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है। ये फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोट सबमरीन है जो कि समुद्र के एनवायरनमेंट को मॉनिटर और स्टडी करने में हेल्प करेगी। पर ये चाइनीज सबमरीन है तो मे भी कुछ दिनों बाद कुछ और ही काम करते मिलेगी। आप क्या सोचते हैं, चाइना इस सबमरीन से कैसे काम करवाएगी? नीचे कॉमेंट में बताइएगा जरूर। तो भैया, यहाँ पर सैमसंग की तरफ से एक बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है जो कि मेमोरी चिप को लेकर है। सैमसंग ने 1 TB मेमोरी चिप का मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है जो कि नॉर्मल चिप से 10 गुना ज्यादा फास्ट है। सैमसंग का कहना है कि ये चिप 1000 MB/s की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करेगी। इसका मतलब 5 GB साइज फुल HD वीडियो बस 5 सेकंड में ट्रांसफर हो जाएगा। और ऑनलाइन रूमर है कि ये चिप सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में देखने को मिल सकता है। ऐसी टेक न्यूज देखने के लिए हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना मत भूलिएगा। तो अगली टेक न्यूज की बात करते हैं और वो है यहाँ पे यूएस आर्मी की तरफ से। यूएस आर्मी ने $39 मिलियन के स्मॉल पॉकेट साइज ड्रोन ऑर्डर किए हैं जो कि उनके सिपाहियों को मदद करेगी लड़ाई के मैदान में। वो इस ड्रोन का यूज करके दुश्मन की लोकेशन लड़ाई के मैदान में भी पता लगा पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी इंडियन आर्मी के भी पास होनी चाहिए तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगली टेक न्यूज निकलती है इसरो की तरफ से। आज की डेट में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बस कुछ ही देश में है और अब इंडिया भी उन देशों की लिस्ट में शामिल होने वाला है। इसरो ने बेंगलोर में पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर खोल दिया है जो कि गगनयान के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और उम्मीद की जा रही है कि पहला गगनयान दिसंबर 2020 में लॉन्च हो सकता है। इस बात पर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज का आखिरी अपडेट है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप ने iOS के लिए फेस और टच आईडी फीचर को ऐड कर दिया है। इस फीचर को आप सेटिंग अकाउंट प्राइवेसी के अंदर जाकर इनेबल कर सकते हैं। आप इस फीचर को इनेबल करने के बाद भी नोटिफिकेशन में क्विक रिप्लाई फीचर का यूज कर सकते हैं बिना फेस या टच आईडी को डिसेबल किए हुए। इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए AmyBabble को सब्सक्राइब या फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।